क्या कर रहा है गाइस, टाइम सुलेख को पकड़ लिया स्कूटी में घुमा रहे हैं बैठ के लड़की को। वो बताओ क्या खाता तू? कुछ नहीं खाता है। डाइट बता टाइम सुलेख, बंद कर यार इसको। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय द व्लॉग। अभी टाइम बता क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है गाइस 11:15 हम रोहिणी से यहाँ गए स्कूटी पे। मजाक कर रहा हूँ, कीर्ति नगर से घूमते हम आ गए है। कहा ये फ्रेंड्स कॉलोनी, बड़ा मजा आ रहा है स्कूटी पे घूमने। अरे नहीं मारी जा रही। सो गाइस, बस आपको एक अपडेट देना था कि ये भाइयों के साथ स्कूटी पे बैठ के बहुत मजा आता है। ये तो कुत्ता अभी मेरे को कह रहा था मैं लड़की से मिलने जा रहा हूँ। क्या कह रहा था इसको? हमने क्या कहा? अरे भाई इसको कोई कॉन्टेंट नहीं होता, ऐसी बोलने लग जाता है। माँ की कसम का, माँ की कसम लड़की पे जा रहा था ये है। वो क्या हिजड़ा वाले बालन में सगे बाप की कसम। क्या सगे बाप की कसम? देख लो आपको मर्द कह रहा है ये जिसका 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा है उस लड़की को कह रहा है। अबे भाई तू कह रहा है पता तू बैठ गया तू कहां बता लड़ पता तुझे क्या मिल जाएगा भाई को सब्जी बना के बता दो तो सुअर सुअर खा रहे हो भाई बहुत देर से भाई। ये जो हमारा भाई है सैम सुलेख, सैम ये नहीं खा पा रहा पानी की बोतल। बता तो सैम सुलेख खा लेता था? अबे हम तो खा लेते हैं, ये खा के दिखा। अबे ऑडियंस के लिए खा लो, ऑडियंस के लिए खा ले, खाए तुम। बता हम कितनी खाते थे? मैं तो बहुत खाई है भाई, हम तो टट्टी करते थे ना इसके अंदर ही आके फिर टट्टी। अबे गंद नहीं फैलता इससे बताई से बैरगड़े मैंगो शेक बनता बहुत तगड़ा इसमें। ये ले खा के दिख ले लो। ये वैसे बच्चे ही रह गए, ये सब नहीं खा पाते बता। पानी तो पी जा थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। जैसे दिल्ली को अगर पटेल नगर से करोल बाग छोड़ रहा है वो नेशनल हुई है, वो सेमी नेशनल हुई है। जो लैला की बंदी ना बनती है वो बहन बेटी के बारे में भाई, वो किसी की तो बहन बेटी होगी ना, अनाथ लड़की थोड़ी ना डेट कर रहा यार वो। अरे कोई दिक्कत नहीं है तो भाई दे भाई अपने आए इधर आओ भाई आए बोलो स्कूटी चालिए देखो पूरा एरिया अपना है भाई का एरिया पूरा। भाई क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा नाम है। हाँ इसको जानते हो भाई? आगे वाले भाई को स्विमिंग पूल में नहीं बना। हमें तो जानते हो ना भाई? आपको जानते हो मुझे नहीं जानता। लेला यार ये कैसे हो गया? भाई को जानता तो नहीं जानता। मुझे जानता है, मुझे ज्यादा बात नहीं की भाई। पर तू तो मेरे साथ 24 घंटे रहता है। यू एंड मी बोथ आर सेम ब्रदर। यार तेरे बच्चे कौन करेगा? बंदे हेट दे रहे थे यार इवली बात में, कह रहे ऐसे क्यों बोलते हो? तो भाई वो मजाक होता है, सीरियस नहीं। नहीं क्यों मजाक होता है? हेट डालो भाई, कौन जा रहा था बैठ के लड़ा लड़की के पास? चला गया मैं, तू चला गया पर तेरे गया। वो वैसे ही अब जाता है 2 सेकंड के लिए। क्या अब हम जा रहे हैं विनोद जी के पास, कहेंगे हम जिम जा रहे हैं वर्कआउट करने। एक बार डैडी के पास यार, यार।
लफड़े ये कनाडा वाले ट्रक इधर कहाँ से आ गए? सो गाइस एक बात बताओ, आपको मजा आता हमारे ब्लॉग देख के और क्या बढ़िया लगता है, क्या एंजॉय करते हो? क्या कनाडा वाले इंडिया वालों को फालतू बोल रहे थे ना, वो कनाडा की सरकार है, हमारे लोड़े पे बैठे तुम, हमारा देश पहले है यार के लोग गोरो दिल में यार के जो तुम्हें व्हाइट हाउस में जाके लंडे दे दूंगा तुम्हें पता नहीं चलता पता तो चलता ही ना जब तू देता है तो भाइयों अभी हम इसको सैमसुनेक को छोड़ के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? आरएमएल, आरएमएल जा रहे हैं। इसको कोई दवाई लेनी है तो वो यहाँ पे सब दुकानें वगैरह बंद है, वहीं मिलेगी, तो वहाँ से दवाई लेते हैं। उसके बाद मेरा मन है कि मैं जिम भी जाऊँ, बट डैडी ने गालियाँ वालियाँ भगती है, कह रहे घर आए वो, तो जिम का मेरे को शायद कैंसिल लग रहा है। आज सुबह उठते ही जिम जाऊँगा मैं, या अभी चला जाऊँगा देख के। जा रहे वृंदावन भी जा रहे हैं ये मंडू और साहिल। भाई अगली बार कभी तुम किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए रो ना तो ये देख लेना। तो भाई अभी हॉस्पिटल गए थे हम दवाई लेने, और वहाँ पे ना मतलब बंदे ऐसे वहीं पे सो रहे थे, वहीं पे सब कुछ हो रहा था, तो वो देख के बहुत अजीब सा लगा। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आजकल हम अब डिमांडिंग कितने हो जाते हैं भाई। मेरे जब 10,000 व्यूज़ आते थे, 1,00,000 क्यों नहीं आ रहे यार, 1,00,000 हो जाए, 1,00,000 आ रहे तो 2,00,000 क्यों नहीं हो रहे यार, 2,00,000 हो जाए। बस हर चीज़ ना मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, ग्रीड अंदर रहती है यार, वो ओबले घर पे रह रहा है यार, उस पर ओबली गाड़ी है। बट जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तुम्हें दे रखी है भगवान ने, जो हमारे राम भगवान ने तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ दे रखी है, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हें सलामत रखा हुआ है, तुम्हें ओके रिवॉर्ड रखा हुआ है, तुम्हें कहीं ऐसे वो जो बाहर बैठे थे ना सबकी शक्लों भी दिख रहा था, किसी ना किसी के लिए मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, किसी ना किसी के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो वो देख के ऐसा लगा कि थैंक यू भगवान जी, हमारे घर में सब ठीक है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी, वो सेकेंडरी है, बस ये चीज़ ओके है और ये भगवान हमेशा ओके ही रखना, शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो तुम भी बस यही कि इतनी ग्रीड मत रखना, भगवान को बोलने लग जाते ना यार, उनको गाड़ी दिलवा दी, हमारे पास ये नहीं है यार, हमारा किराए का घर है यार, हमारा वो है, हमारा सिक्योरिटी भी है, हमारा वो है, हमें बोबला घर क्यों नहीं मिला, हमारा घर छोटा, हमारा घर बड़ा, हमारी गाड़ी छोटी, हमारी गाड़ी बड़ी, मेरे को काला बना दिया, मेरे को गोरा बना दिया, मेरे को छोटा बना दिया, मेरे को लंबा बना दिया, वो सब बेकार की बातें हैं। सलामत रखा हुआ है तुमको और तुम्हारे घर वालों को, सबसे बड़ी चीज़ है वो, और उसके लिए आज जोड़ते रहो, रोज रोज थैंक यू बोलते रहो भगवान को। वरना उनसे जाके पूछो जिनके पास जो मतलब वो खाना नहीं, कोई बंदे मतलब अभी यहाँ पे देख के बिल्कुल जिनके ऑफिस अभी देख के हम्बल हो गया मैं एकदम वहाँ पे। ये सेम मेरे साथ हुआ था आज से 3 साल पहले। क्या डैडी जब हार्ट अटैक आया था सेम, हाँ इसके पापा को हार्ट अटैक आया था तब, ये इसकी मेरी इतनी बात नहीं होती थी, इसने बाद में बताया था, तो भाई हम समझ सकते हैं कि क्या बीती होगी। तू तो फिर अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि क्या अंदर बोलता रहा हूँ मैं, जिनके माँ बाप भी नहीं होते, जिनके बाप किसी के बाप नहीं होते, किसी के बाप किसी माँ नहीं होती, तो वो लोग भाई तो उन्हीं से जाके उनका दुख पूछो, तो चीज़ें होती हैं ब्रो। तो अगली बार ये बोलने से पहले कि भगवान मेरे को ये क्यों नहीं दिया, भगवान मेरे को वो क्यों नहीं दिया, थैंक यू बोलो कि भगवान आपने मेरे को मम्मी पापा दिए, मेरे को भाई बहन दिए, सबको सलामत रखा जिनको मैं प्यार करता हूँ, खाना दिया, घर दिया। हाँ बस जैसे मेरे ब्लॉग्स में ऐसी बात तो तुम्हें पसंद दी है, तुम्हें बकचोदी पसंद है, बट ये भी एक पार्ट है जो मेरे दिल में होता है ना, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो ये दिल में आया, मैंने कहा स्कूटी रोक जरा यार, भाइयों से बात कर ले, क्योंकि बंदी तो कोई है नहीं, बात ऐसी हमारी फीलिंग्स पे टट्टी कर गई है। तो भाई कल तो जिम करनी भाई, तो आज तुम्हारा भाई सीधा उठते ही जिम आ गया सबसे पहले, फिर करेंगे कोई भी काम, अभी जिम से पहले कोई बात बात नहीं, सीधा जिम करके फिर मिलेंगे। बाय। देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी।